गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML का एक शुरू से बेसिक पॉइंट टू पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि HTML है क्या, CSS क्या है, JavaScript क्या है, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बताएं HTML क्या है। HTML एक स्ट्रक्चर है या लेआउट है, आप कह सकते हैं कि किसी मकान की दीवारें, छत, ये मिलाकर एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। उसी तरीके से एक HTML उन्हीं दीवारों और छत की तरीका से एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों का पिंजड़ा है वो एक HTML है। और CSS एक स्टाइल है, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियों के पिंजड़े के अलावा जो मांस, ब्लड, खूबसूरती वगैरह जो है वो एक स्टाइल है, मतलब CSS है। और जावास्क्रिप्ट इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन, एक लॉजिक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिलहाल HTML से। तो HTML आप देख सकते हैं, HTML इज ए स्ट्रक्चर एंड लेआउट। लेसन नंबर वन, HTML। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हाउ टू डिजाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। फर्स्ट ऑफ ऑल HTML इज द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हम लोग वेब पेज एप्स बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं कोडिंग के थ्रू। तो HTML इज द कोड दैट इज यूज टू स्ट्रक्चर ए वेब पेज एंड इट्स कंटेंट। HTML हमारा एक स्ट्रक्चर है वेब पेज का, जिसमें कंटेंट वगैरह हम लोग लिखते हैं। द कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आर कॉल्ड द HTML टैग। हम लोग इस स्ट्रक्चर को तैयार, वेबसाइट के जो स्ट्रक्चर है उसको तैयार करने के लिए जिन कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम HTML टैग कहते हैं। फर्स्ट, HTML फाइल। HTML फाइल किस तरीके से बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक HTML फाइल किस तरीके से बनाते हैं। तो हम VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, VS कोड का इस्तेमाल किया, हम यहाँ पे गए, मैंने यहाँ पे कोई नई फाइल लिखा। तो हम कोई भी फाइल का नाम देने से पहले हम उसमें देते हैं इंडेक्स। हम कोई फाइल का नाम दे रहे हैं इंडेक्स, फर्स्ट पेज, और ये फाइल हमेशा आपकी क्या कहते हैं .html में सेव होगी। तो .html हम इंटर मार के सेव करेंगे, हमारी फाइल खुल गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे हमने VS कोड का इस्तेमाल यहाँ पे नोटपैड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इस VS कोड का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके कई बेनिफिट्स हैं जो आप आगे देखेंगे, मैं करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फिलहाल तो हम इस टॉपिक को देखते हैं पहले। फर्स्ट, HTML फाइल। तो हमने देखा कि इंडेक्स .html कोई भी फाइल का अगर नाम दे रहे हैं तो हम इंडेक्स .html में देंगे, क्योंकि कोई भी हमारी फाइल जो कोडिंग में इस्तेमाल होती है वो .html में ही सेव होती है, अदरवाइज हम .html में फाइल सेव नहीं करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है उसे एक्सेस नहीं करेगा। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर ए वेबसाइट होम पेज। HTML टैग्स। तो हम आपको बताएं HTML टैग्स क्या हैं।
कंटेनर फॉर सम कंटेंट्स आर अदर HTML टैग्स। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रखा है, दिस इज ए पैराग्राफ। तो आप इसमें ये देख सकते हैं, ये एंगुलर ब्रैकेट इस्तेमाल किया गया है पी के साथ में, और यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसे हम यहाँ पे इसे ओपन टैग कहते हैं और इसे क्लोजिंग टैग कहते हैं। ये हमारे ये टैग्स हैं, ये हमारे सारे टैग्स हैं, मतलब ये इन्हें हम अपना एलिमेंट भी कह सकते हैं। ये सारे हमारे जो टैग्स हैं इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, और जो पैराग्राफ है वो हमारा एक कंटेंट है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा, टैग्स जो होते हैं वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, और जो पैराग्राफ होता है वो हमारा कंटेंट होता है। तो आगे चलते हैं, द बेसिक HTML पेज। तो बेसिक HTML पेज हम आपको एक डिज़ाइन करके दिखाएंगे, चलिए प्रैक्टिकली इसे देखते हैं हम चल के। प्रैक्टिकली फाइल हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है, DS अपना कोड अपना में इस्तेमाल किया है, एस्मिक मार्क हम यहाँ पे लगाते हैं। देख सकते हैं आप, हमने एक केबल पॉइंट दबाया तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शन खुल के आ गए। अब हम इसमें इंटर दबाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरीके से अपने आप डिजाइन होके हमारे पास आ गया है। किसी भी HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। इसे डिजाइन करने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारे एक बटन दबाने से ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। तो आई थिंक आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता तो होगा ही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिएट ए फाइल, क्रिएट ए फाइल फॉर योर पोर्टफोलियो पेज, सिंपल HTML स्ट्रक्चर, बेसिक HTML टैग्स, HTML एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आर यूज टू ऐड मोर इंफॉर्मेशंस टू द टैग्स। HTML लैंग्वेज, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे HTML लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, कोई भी XYZ, कोई भी हम लैंग्वेज, कोई भी हमें लैंग्वेज जो चूज़ करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उस लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग लैंग्वेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे टाइटल में कुछ दे देते हैं, टाइटल में हम दे देते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ये तो हमने अपने एक टाइटल का नाम दे दिया है। तो अब यहाँ पे हम एक बॉडी में चल के देखते हैं, यहाँ हम कोई एक पैराग्राफ दे के देखते हैं। हमने यहाँ एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। क्रोम पर हम चल के देखते हैं, अपनी फाइल को देखते हैं। मेरी फाइल शो नहीं कर रही है, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग चलते हैं गो लाइव पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ए फर्स्ट वेब पेज। ये तो हमने टाइटल दिया था अपने स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ दिया था हेलो वर्ल्ड।
हम यहाँ पर और भी चीज़ें दे सकते हैं, जैसे पैराग्राफ के आगे हम यहाँ पर दे सकते हैं कोई हेडिंग दे दीजिए, कोई हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पर H1, हेडिंग में लिख देते हैं होम, सॉरी क्लोज नहीं किया, इसमें हम लिख देते हैं होम। फाइल को हम सेव करते हैं, आप देख सकते हैं पैराग्राफ के नीचे होम आ गया। इसके अलावा और भी हम कोई हेडिंग्स दे सकते हैं, जैसे हम कोई नेक्स्ट हेडिंग देते हैं S2, यहाँ पे लिखते हैं हम कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के बाद हम फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमने ये हेडिंग कोई दिया, होम कॉन्टैक्ट दूसरी हेडिंग दी हमने। यहाँ पे चाहे तो हम और भी हेडिंग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे कोई पैराग्राफ दे देते हैं, हम लोग पैराग्राफ दे देते हैं, इसमें लिखते हैं हम नमस्ते नमस्ते, फाइल को सेव करते हैं नमस्ते, आप देख सकते हैं यहाँ नमस्ते लिख के आ गया। ये और ये हमारे पैराग्राफ हैं, ये हमारी हेडिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों के ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो समझ आया होगा कि किस तरीके से हम HTML में कोई भी पैराग्राफ दे सकते हैं, कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, कोई भी हम इमेज सेट कर सकते हैं, या कोई भी हम इसमें वीडियो सेट कर सकते हैं, हम इसमें कोई भी किसी भी तरीके के वेबसाइट वगैरह हम अपने पेज पर शो करा सकते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे सीखेंगे, जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा। फिलहाल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करके देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा से आपको ये बताऊंगा, और कल मैं इससे कुछ एडवांस चीज़ लेके आऊँगा जो आपको बताऊँगा किस तरीके से आगे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हेडिंग्स के बारे में सीखेंगे, पैराग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, इमेज किस तरीके से लगाई जाती है, वीडियोस किस तरीके से लगाए जाते हैं, या लाइन ब्रेक कैसे की जाती है, या कोई भी हॉरिजेंटल लाइन किसी के पैराग्राफ के नीचे या इमेज के नीचे किस तरीके से लिए, सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।